Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में. सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लश्कर ए तैयबा. देखिए, हम सभी को पता है 26/11 मुंबई अटैक, जिसको 15 साल यहाँ पर हो चुके हैं. यहीं पर इसराइल ने क्या किया है, जो मिलिटेंट ग्रुप लश्कर ए तैयबा, जो कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है, जिसका इन्वॉल्वमेंट था, जिसने यहाँ पर जिम्मेदारी ली थी 26/11 मुंबई अटैक के, उसको इसराइल ने ऑफिशियली आप देखिए डिक्लेयर कर दिया है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में. ये इम्पॉर्टेंस क्यों है, देखिए इसराइल ने एक बहुत बड़ा कमिटमेंट लिया है हमास के अटैक के बाद कि जितनी भी वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पर जो टेरर एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको यहाँ पर वो कॉम्बैट करेगा. और उसका एक कमिटमेंट है, एक मूवमेंट है अगेंस्ट दी टेरर ऑर्गेनाइजेशन. इसी को हम इसराइल डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं. हालाँकि देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें कोई खास लेना देना है नहीं, बट यहाँ पर जो इसराइल की गवर्नमेंट है उसने बहुत ही नेसेसरी कदम ये समझा कि इलीगल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पर बैन किया जाए. ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसराइल की तरफ से यहाँ पर आई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है. जैसा मैंने आपको बताया, 7 अक्टूबर हमस के अटैक की वजह से इसका पूरा का पूरा एक्शन हमें देखने के लिए मिलेगा. चलिए, तो ये तो रहा न्यूज़ के बारे में. आपको एक और चीज़ याद है, इससे निपटने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यहाँ पर तैयार की गई थी. एनआईए की बात करें तो सेंट्रल की काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है भारत की ओर से, जिसका काम है जितने भी ऑफेंस है जो कि हमारे भारत की प्रभुसत्ता, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को हैम्पर कर सकते हैं, उसकी देखरेख करना. दैट मीन्स जितने फॉरेन स्टेट हैं इनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करना, एटॉमिक और न्यूक्लियर फैसिलिटी के अगेंस्ट अगर कोई ऐसी घटनाएं घट रही हैं उसको यहाँ पर चेक एंड बैलेंस करना, आर्म्स, ड्रग्स, फेक इंडियन करेंसी या इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है बॉर्डर्स के आसपास, स्मगलिंग हो रही है उसको यहाँ पर चेक करना, साथ ही जितने भी ऑफेंसेस हैं अंडर दी स्टैचुटरी लॉ इनहेंस टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज़, एग्रीमेंट्स, कन्वेंशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उसकी एजेंसी, इन सभी को यहाँ पर मेंटेन रखना. 2008 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट यहाँ पर लेकर आया गया था, जिसमें यहाँ पर इनको पूरे के पूरे अधिकार दिए गए थे कि जितने भी क्राइम्स हैं जिनको अभी हमने डिस्कस किया उनको लेकर यहाँ पर काम करना. हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है. ओरिजिनेशन का कारण क्यों था, 26/11 का मुंबई अटैक, उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर ये डिसाइड किया गया था इन दिसंबर 2008 बाय देन यूनियन होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम, जिन्होंने एनआईए बिल यहाँ पर पेश किया था. और इसी के साथ 31 दिसंबर 2008 को ये यहाँ पर एक्ट बना और उसी के साथ आपको एनआईए देखने के लिए मिल जाएगा. ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो जितने भी व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, किसी भी पोस्ट पर हों, वो सभी इसके पैराफेरी में आते हैं. कोई भी व्यक्ति जो शिप या एयरक्राफ्ट पे हो जो कि भारत में रजिस्टर्ड है, कोई भी व्यक्ति जिसने कोई क्राइम किया है इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन चाहे वो इंडिया का सिटीज़न है या इंडिया के बाहर है, वो भी इसके पैराफेरी में आ जाता है. अलॉन्ग विद दैट, कोई भी एजेंसी जो कि ऑपरेट कर रही है इंडिया में, वो भी यहीं इसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आती है. ओके, चाहे कोई व्यक्ति भारत के बाहर रह रहा है, स्टिल दे आर इंडियन सिटीजन, दे विल ऑल्सो कम अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट. शेड्यूल ऑफेंस कौन कौन से हो जाते हैं, देखिए सब्सटेंस, एटॉमिक, अनलॉफुल एक्टिविटीज, एंटी हाईजैकिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा. चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं अलार्मिंग काउंटडाउन. यूनाइटेड नेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट यहां पर आई है जिसका नाम है ब्रोकन रिकॉर्ड. इसने सर्व किया है एज अ क्लेवर पन रिफ्लेक्टिंग द रिपीटेटिव वार्निंग ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑन एक्सेलेटिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, लगातार बढ़ते हुए GHG के एमिशन पर यहाँ पर ये रिपोर्ट आई है जिसका नाम है ब्रोकन रिपोर्ट. इस रिपोर्ट के अंदर एक अलार्मिंग सिचुएशन बताई गई है, एक वार्निंग इशू किया गया है कि किस तरीके से ये जो नया एमिशन है, ये जो लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, ये हम सभी के लिए नुकसानदायक हो सकता है. बात कर लेते हैं पेरिस एग्रीमेंट की, और पेरिस एग्रीमेंट के बाद क्या हमें सिचुएशंस देखने मिली. 2015 के पेरिस एग्रीमेंट की अगर हम बात करें, जिसने डिसाइड किया था कि लिमिट करना है हमें ग्लोबल टेम्परेचर राइज को टू 2 डिग्री, यू कैन सी
2 degrees Celsius with an aspirational target of 1.5 degrees Celsius. ओके, तो रिपोर्ट में यहाँ पर इसमें कुछ धीमी प्रोग्रेस नोट की गई है. एनालिसिस जो हुए हैं से एक बात समझ में आती है कि जो कमिटमेंट है अंडर द एग्रीमेंट, टेम्परेचर यहाँ पर 2.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 2.9 डिग्री तक बढ़ सकता है बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंचुरी. अगर हमें 2 डिग्री का टारगेट यहाँ पर रखना है तो हमें कम से कम 28% का रिडक्शन करना होगा हमारी जीएचजी एमिशन में बाय 2030. और अगर हम 1.5 डिग्री को मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें 42% का रिडक्शन करना बहुत ज़रूरी है. इसी के साथ इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में नेट ज़ीरो कमिटमेंट पर भी डाउट क्रिएट किया गया. बहुत सारी कंट्रीज़ ने प्लेज किया है कि वो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन करेंगी, लेकिन जो रिपोर्ट है, जो इस समय का ग्लोबल अगर हम टेम्परेचर देखें तो ऐसा कुछ भी हमें देखने के लिए नज़र नहीं आता. हालांकि देयर आर सर्टेन पॉजिटिव आस्पेक्ट ऑल्सो पेरिस एग्रीमेंट के, लेकिन चैलेंजेस के अलावा बहुत ज़्यादा इनफेक्टिव नहीं देखने मिलेगा हमको. ऐसा नहीं है कि पेरिस एग्रीमेंट बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, बल्कि जो 2030 का ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो सभी ने डिसाइड किया था उसके हिसाब से अगर देखें तो हमें 16% तक का डिक्रीज देखने के लिए मिला है. और ऐसे सारे प्रोजेक्ट जहां पर ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन को कम करने की बात की जा रही है, ऐसे प्रोजेक्ट्स में 3% का उछाल देखने के लिए मिला है. करंट एमिशन ट्रेंड के हिसाब से अगर हम बात करें कि वर्तमान में किस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है, तो देखिए इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में समझ में आया है कि ग्लोबल एमिशन 57.4 बिलियन टन था 2022 में, जो कि 2021 के मुकाबले 1.2% आपको ज़्यादा देखने मिलेगा. वहीं कोविड 19 पैंडेमिक के बाद की अगर हम बात करें तो कोविड 19 पैंडेमिक के आते ही ये जो एमिशन था इसमें हमें 4.7% का रिडक्शन देखने के लिए मिला था. 2023 के प्रोजेक्शन के हिसाब से बात करें तो प्री पैंडेमिक लेवल बहुत ज़्यादा था, पैंडेमिक के समय ये लेवल हमें कम देखने के लिए मिला. वहीं अगर हम बात करें ग्लोबल इनेक्शंस की, तो 86 डे का रिकॉर्डेड टेम्परेचर हमें 1.5 डिग्री से ज़्यादा देखने के लिए मिला है, विच इज़ नॉट गुड. और इसी के साथ हमें एक कॉल फॉर अर्जेंट एक्शन की आवश्यकता है. अगर हम बात करें कि भाई ये सारी चीज़ें तो हमने समझ ली, बट व्हाट इज़ पेरिस एग्रीमेंट, तो देखिए याद रखिए December 12, 2015 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, जिसे हम COP21 के नाम से जानते हैं, यहाँ पर कंडक्ट हुई थी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि एक लैंडमार्क इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका मुख्य उद्देश्य था क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए तैयारी करना. और इसी पर्टिकुलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने की बात की जा रही थी. साथ ही कंट्रीज़ ने यहाँ पर देखिए एक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन डिसाइड किया था, जहाँ पर वो अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करेंगी. अपने अपने लिए टारगेट सेट किए थे, जैसे इंडिया ने 2033 के लिए अपने लिए कुछ टारगेट सेट किए थे. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे. बात की जा रही है फिर से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नलिफाई कर दिया है हरियाणा के स्टेट एम्प्लॉयमेंट लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 को. क्या चर्चा करने वाले हैं हम, एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. मल्टीपल आर्टिकल्स हमने पहले भी डिस्कस किए थे जिनका संबंध इस पर्टिकुलर बिल से था, जो कहीं ना कहीं हमारी राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम जैसे विभिन्न प्रकार के अधिकारों का हनन कर रहे थे. परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि दोनों कोर्ट्स ने, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट लोकल कैंडिडेट एक्ट को यहाँ पर नलिफाई कर दिया और बोल दिया कि 75% का जो रिजर्वेशन है फॉर स्टेट डोमिसाइल इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स, जहाँ पर सैलरी होगी 30,000 या उससे कम, इसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया है. चलिए बात करते हैं वेरियस आर्टिकल्स की जो इससे संबंधित हमें देखने मिलेंगे. सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं आर्टिकल 14, जो कि है राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी यहाँ पर बोल रहा है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. मतलब आप किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर इक्वालिटी, समानता के अधिकार से वंचित नहीं रख सकते. प्रत्येक व्यक्ति लॉ के सामने एक जैसा ही है, उसको एक जैसा प्रोटेक्शन दिया जाएगा, एक जैसा ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाएगा. दैट मीन्स कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा हो, किसी भी जगह से हो, यहाँ पर उसको आउटकास्टेड की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा. दूसरा बात करें
कि एक्सेप्शन हमें क्या देखने मिलते हैं। सो देखिए, पहला तो अगर आर्टिकल 14 की अगर हम बात करें, जहाँ पर ये प्रोहिबिट करता है अनजस्ट और अनरीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन का, वहीं यहाँ पर कुछ रीजनेबल क्लासिफिकेशंस भी दिए जाते हैं। रीजनेबल क्लारिफिकेशंस क्या हो जाते हैं, देखिए स्टेट यहाँ पर क्लासिफाई कर सकता है अगर उसे लगता है कि उसके क्षेत्र का कोई पर्टिकुलर नेक्सस है, जहाँ पर उसको किसी पर्टिकुलर जगह को किसी को अपलिफ्ट करने की आवश्यकता है, तो स्टेट ऐसा कर सकता है, क्लासिफाई कर सकता है इंडिविजुअल्स को फॉर पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन एज लॉन्ग एज द क्लासिफिकेशन इज रीजनेबल। सपोज कोई बहुत ही ज़्यादा पिछड़े वर्ग से है, तो स्टेट यहाँ पर उनको अपलिफ्ट करने के लिए काम कर सकते हैं, जिसे कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। दूसरा यहाँ पर जो आर्टिकल आपको देखने मिलेगा, जिसके साथ हनन हो रहा था, विच इज़ द आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जा रही है, चाहे स्पीच की बात हो, चाहे अपने आप को एक्सप्रेस करने की बात हो, शांति तरीके से मिलने जुलने की बात हो, एसोसिएशंस की बात हो, यूनियन बनाने की बात हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करने की बात हो, किसी स्थान में बस जाने की बात हो, किसी भी तरीके का प्रोफेशन हो, किसी भी तरीके का ऑक्यूपेशन हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, सभी की फ्रीडम आपको देखने मिलती है। अगेन यहाँ पर भी हमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन और एक्सेप्शंस देखने मिलेंगे। देखिए, जहाँ आर्टिकल 19 ग्रांट कर देता है कि आप सभी को बहुत सारी फ्रीडम है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं होता है नेचर में। स्टेट अगर चाहे तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर सकती है इन फ्रीडम्स के ऊपर, जब बात आ जाए सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी की, जब बात आ जाए सिक्योरिटी की, जब बात आ जाए फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करने की, या पब्लिक ऑर्डर या डिसेंसी या मोर्टैलिटी को मेंटेन करने के लिए, तब यहाँ पर आपको एक्सेप्शन देखने के लिए मिल सकते हैं। स्टेट यहाँ पर बहुत सारी एक्सरसाइज जो फ्रीडम है इनको यहाँ पर रोक सकती है, ये मानते हुए कि ये सारी फ्रीडम पब्लिक ऑर्डर को यहाँ पर क्या कर सकती हैं, हैम्पर कर सकती हैं, और इसी के कारण बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे प्रोफेशन पे भी लगा दिए जाते हैं, ट्रेड और बिजनेस पे भी लगाए जा सकते हैं, ताकि जनरल पब्लिक ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। सो हेयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल और उनके दो बहुत बड़े एक्सेप्शन हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, विच इज़ द रिकॉग्नाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हेल्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत अच्छा सा आर्टिकल है, समझ लेते हैं इसके बारे में। इंडिया जो कि तैयार हो चुका है 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP28 के लिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए, जो कि एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, और यहाँ पर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। देखिए, अगर हम पूरे के पूरे कंडीशन की बात करें तो इस तरीके से हमें समझना होगा कि ग्लोबल टेम्परेचर जहां 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास राइज होता जा रहा है, पेरिस एग्रीमेंट जिसे अभी हमने डिस्कस किया, जो कि डिसाइड कर रहा था कि 2 डिग्री सेल्सियस से हमें टेम्परेचर कम रखना है, लेकिन 2023 की बात करें तो हमें बहुत डिवास्टेटेड सिचुएशन देखने मिली। क्लाइमेट इमरजेंसी जैसे हीट देखने के लिए मिल गया, एक्सट्रीम हीट थी, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, साइक्लोन्स आए, फ्लड की सिचुएशन हमें देखने मिल गई, इररेगुलर मॉनसून कंडीशन हमें देखने मिल गई, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड और हमारी हेल्थ में बहुत शार्प इम्पैक्ट पड़ा था, और इसी के कारण हमें देखिए डबल बर्डन इंडिया को यहाँ पर फेस करना पड़ा। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो देखिए बहुत डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट करता है जब बात आती है सिकनेस और मोर्टैलिटी की। कारण क्यों? क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देखें फ्लडिंग की सिचुएशन है, डिस्प्लेसमेंट की सिचुएशन है, रिजल्ट इन टू बहुत सारे लोगों की यहाँ पर डेथ हो जाती है, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ जाता है, परिणाम स्वरूप आप देखेंगे मृत्यु दर और बीमार होने की दर में लगातार बढ़ोतरी होती है। वहीं आगे अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से एक और सबसे बड़ी दिक्कत होती है, विच इज़ द डबल बर्डन ऑफ मॉर्बिडिटी। इंडिया में देखिए दोनों, चाहे हम कम्युनिकेबल डिसीजेस की बात करें या नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की बात करें, दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा है नंबर में। जहाँ क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें वेक्टर और पैथोजेंस से संबंधित बीमारियाँ देखने के लिए मिलती हैं, जहाँ पर वो पहले कभी नहीं थी, जैसे हिमालयन स्टेट्स, यहाँ पर कभी मॉस्किटोज नहीं हुआ करते थे, बट नाउअडेज मलेरिया, डेंगू, कॉलेरा जैसी बीमारियाँ हमें हिमालयन स्टेट में देखने मिल रही हैं। वहीं अगर हम
नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज की बात करें तो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने मिल रही है। COPD की बात करें, एयर पॉल्यूशन की बात करें, और हीट के बढ़ने की वजह से अगर आप देखेंगे तो लगातार लोगों को किसी ना किसी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। फिजिकल एक्सर्शन हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, और इसी डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। वहीं अगर हम बात करें डायबिटीज़, जिसके रेट्स यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में, वहीं दूसरी तरफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज में हमें मेंटल हेल्थ इसका बहुत बड़ा एक सिचुएशन है। आप देखिए पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। इंडिया में अगर आज की डेट में आप बात करें, डिस्प्लेसमेंट होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाना, क्लाइमेट चेंज की वजह से सिचुएशन डिवास्टेटेड हो जाने के कारण पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से लोग यहाँ पर जूझ रहे हैं। अर्बनाइजेशन की बात करें तो जहाँ पर अर्बन स्प्रेल आपको देखने मिलेगा कि अनप्लान्ड तरीके से अर्बनाइजेशन किया जा रहा है, इसकी वजह से जो अर्बन एरियाज़ हैं ये हीट आइलैंड इफेक्ट से जूझ रहे हैं। दैट मीन्स दे आर गेटिंग हीटेड अलॉट, रिजल्ट इन टू ये वल्नरेबल कैटेगरी में आ जाते हैं जब बात की जाती है क्लाइमेट चेंज की। सफिशिएंट ग्रीन स्पेस नहीं होना, एयर पॉल्यूशन का बढ़ता जाना, और इसी की वजह से देखिए हेल्थ रिस्क जैसे एक्सपोजर टू सन रेज, स्किन कैंसर, रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम, चाहे आप बात करें साफ पानी की, सारी चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। अलॉन्ग विद दैट हमें इस समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हम ग्लोबल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, लोकल लेवल पर इस बात को एड्रेस करें कि क्लाइमेट चेंज का हेल्थ के ऊपर कितना बड़ा असर होता है, और इसी के साथ हमें पॉलिसीज ड्रॉ करने की आवश्यकता है इन सभी के ऊपर। ओके, चलिए अब हमने दो इम्पॉर्टेंट सी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी थी, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। आई गेस आप सभी जानते हैं कि कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती हैं। वो सारे डिसीज़ इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शियस होती हैं, जो ट्रांसमिट हो सकती हैं, ठीक है, किसी एजेंट के द्वारा, किसी पैथोजन के द्वारा, किसी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या फंजाई के द्वारा, इन्हें हम यूजुअली कम्युनिकेबल डिसीज़ बोल देते हैं। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली पर्सन टू पर्सन, एनिमल टू ह्यूमंस एनवायरनमेंट में आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो एयर, वाटर, ब्लड, वैक्टर्स, मॉस्किटो एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको देखने मिलेंगे, जैसे इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस, HIV, एड्स, मलेरिया। चलिए अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इन्फ्लुएंजा तो वायरस के थ्रू होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल की वजह से होता है, विच इज़ दी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। HIV की बात करें तो इट इज़ अ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियंसी वायरस, वायरस की वजह से आपको ये देखने मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें मलेरिया तो ये भी आपको देखिए प्लाज्मोडियम पैरासाइट के थ्रू देखने के लिए मिल जाता है। वहीं COVID-19 तो आपने देखा, अगेन इट्स अ वायरस पैंडमिक। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की बात करें, जिन्हें NCDs के नाम से जाना जाता है, मतलब वो क्रॉनिक डिसीज़ जो कि मेडिकल कंडीशन है, किसी इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से नहीं आती हैं, बल्कि ये प्रोलॉन्ग्ड या ग्रेजुअल होती हैं, जो हमारे लाइफस्टाइल, जेनेटिक या एनवायरनमेंट की वजह से होती हैं। फॉर एग्जांपल कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, डायबिटीज़ का होना, टाइप 1 की बात करें, टाइप 2 की बात करें, कैंसर की बात करें, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़ की बात कर लें, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक पार्किंसंस डिसीज़, एपिलेप्सी, अल्जाइमर्स एट्सेट्रा। ओके, चलिए तो ये थी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गई हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ, विच इज़ दी हीट आइलैंड इफेक्ट। इट इज़ एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के बारे में बात करें तो ये एक लोकल या टेम्पररी फिनोमेना होता है, जो कि कुछ क्षेत्रों में हमें, स्पेशली जो सिटीज़ हैं या सराउंडिंग्स एरिया हैं, इसमें देखने के लिए मिलता है। अचानक से आप देखेंगे जो बिल्डिंग है, जो अलग अलग हाउसेज हैं जो सिटीज़ में यहाँ पर बन रहे हैं, जिसके अंदर कंक्रीट का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, इनके अंदर आप देखेंगे तो हीट ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से ये आसानी से नहीं एमिट बैक होती है। और टेम्परेचर का वेरिएशन आप देखेंगे, सपोज़ यहाँ पर कोई अर्बन एरिया है और यहाँ पर कोई ग्रामीण क्षेत्र है, तो यूजुअली जहाँ पर कंक्रीट का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा, वहाँ 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान है वो हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, और इसी को बोला जाता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। कारण क्यों? देखिए
डार्क सर्फेसिस का इस्तेमाल आजकल किया जा रहा है, एल्बिडो, जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बढ़ जाता है। एयर कंडीशनिंग्स का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अर्बन आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो ये जो सर्कुलेशन ऑफ एयर है उसको हिंडर कर देते हैं, विंड स्पीड को हिंडर कर देते हैं। अलॉन्ग विद दैट ग्रीन ट्रीज हमें यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ें जैसे कार्बन एब्जॉर्बिंग मटेरियल जैसे एसफाल्ट, कॉन्क्रीट, इन चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जो कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को बढ़ा देते हैं। ओके, सो ये तीन टर्म्स थी जो हमने इस पर्टिकुलर आर्टिकल में डिस्कस करी। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसने रिसेंटली रिलीज़ करी है एक रिपोर्ट जिसके अंदर रिवील किया गया है इकोनॉमिकली डेवलप कंट्री फेल कर गई हैं अपने कमिटमेंट को ऑफ जॉइंटली मोबिलाइजिंग $100 बिलियन एनुअली फॉर क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन इन 2021। 2020 की डेडलाइन थी और उसके बाद भी $100 बिलियन का जो एनुअल जॉइंट मोबिलाइजेशन का कमिटमेंट था वो यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है। इम्पॉर्टेंट क्यों है इस रिपोर्ट की समझना, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट प्रोवाइड करती है जब बात आती है क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रेटजीज की, स्पेशली विद द रिच कंट्रीज। जबकि हम COP28 की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर होने वाली है, ऐसे में डेडलाइन को क्रॉस करने के बाद भी $100 बिलियन का ज्वाइंट फंड अभी तक मोबिलाइज नहीं हुआ है। चलिए रिपोर्ट्स के कुछ की हाईलाइट सेक्शंस के बारे में बात करें तो डेवलप्ड कंट्री पहली चीज अभी तक 100 बिलियन की जगह केवल $89.6 बिलियन को यहाँ पर अचीव कर पाई हैं। फाइनेंसिस की बात करें तो यहाँ पर 14% का डिक्लाइन हमें देखने मिला है 2021 में कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो रिपोर्ट ने यह भी बात बताई है कि जो डेवलप्ड नेशन है COP26 में इन 2020 ये बात कर रहे थे डबल अडेप्टेशन फाइनेंस की, जो कि कोई खास इंप्रूवमेंट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये तो है चलिए कि न्यूज़ में क्या पर्टिकुलर बातें की गई हैं, क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमें बात करना है कि डबल काउंटिंग सिस्टम्स क्या होता है। ठीक है, सो डेवलप्ड कंट्रीज़ प्रोहिबिट करती हैं फ्रॉम डबल काउंटिंग फंड्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू बोथ एमिशन रिडक्शन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। और जो नया और एडिशनल क्राइटेरिया है वो यहाँ पर प्रिवेंट करता है इस तरीके की प्रैक्टिसेस को। देखिए डिस्पाइट दीज गाइडलाइंस व्हाट इज हैपनिंग नाउअडेज कि डबल काउंटिंग हैव बीन एक्नॉलेज वेयर फंडिंग इंटेंडेड फॉर डेवलपमेंट एड इज आल्सो कैटेगराइज्ड एज क्लाइमेट फाइनेंस। लाइक इट इज यू नो इट इज क्रिएटिंग रेजिंग कंसर्न्स अबाउट एडहेरेंस टू द न्यू एंड एडिशनल प्रिंसिपल। सो इसको यहाँ पर टारगेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। चलिए तो ये तो थी रिपोर्ट, इसके बारे में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया है जितना हमारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अननेसेसरी आपको इस पर बहुत ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सा हम चर्चा करने वाले हैं OECD विच इज़ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की बात करें तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था डिसम्बर 14, 1960 को। इसने रिप्लेस किया था ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जिसको बोला जाता है OECD, जिसको फॉर्म किया गया था 1948 में टू एडमिनिस्टर मार्शल प्लान फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप आफ्टर World War II। OECD की बात करें तो इसके अंदर 38 मेंबर कंट्रीज हमें देखने के लिए मिल जाती हैं जिसके अंदर डेवलप्ड और इमर्जेंस इकोनॉमीज देखने के लिए मिलेंगी। OECD के पब्लिकेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो OECD इकोनॉमिक आउटलुक, OECD एम्प्लॉयमेंट आउटलुक, OECD साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन आउटलुक को ये रिलीज करते हैं। साथ ही इनका मुख्य काम क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज को या जो भी दूसरे मेंबर्स हैं इनको यहाँ पर प्रमोट करना और मदद करना, साथ ही कंट्रीज़ को अपनी इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज़ बनाने के लिए, उनको चेक करने के लिए, चेक एंड बैलेंस करने के लिए भी ये मदद करते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात की जा रही है इंडिया जापान कन्वर्जेंस साउथ ईस्ट एशिया। फिलीपींस ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि वो अपने आप को दूर करेगा चाइनीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के भ्रम से जो कि सस्टेनेबिलिटी और जियो
टैक्टिक्स कंसर्न यहाँ पर क्रिएट करते हैं, उसके अगेंस्ट कंट्री यहाँ पर अपना अटेंशन क्रिएट करेगी जापान और इंडिया की तरफ फॉर डेवलपमेंट असिस्टेंस, चाहे हम बात करें कि हमें माइंडेड पार्टनरशिप की आवश्यकता है या किसी भी चीज़ की, क्योंकि चाइना का जो व्यवहार है, चाइना की जो स्ट्रैटेजीज हैं, दे आर नॉट एट ऑल गुड फॉर एनी कंट्री एज ऑफ नाउ। अब देखिए फिलीपींस ऐसा कर क्यों रहा है, पूरी कहानी समझने के लिए इस मैप को यहाँ पर देखते हैं। देखिए फिलीपींस और चाइना की जब आप बात करते हैं और साउथ चाइना सी के इशू के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर इस समय फिलीपींस अपनी सोवरेनिटी, अपनी प्रभुसत्ता को सेफगार्ड करने के लिए ज़्यादा काम कर रहा है, और इसी का परिणाम है कि चाइना से मदद लेने की जगह अपने आप को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए जापान से मदद ले रहा है, जो कि लार्जेस्ट सोर्स है ओवरसीज़ डेवलपमेंट असिस्टेंस का। आज तक की डेट में अगर देखा जाए तो जापान एक ऐसी कंट्री है जो ओवरसीज़ डेवलपमेंट असिस्टेंस में सबसे बढ़िया काम करती है, इन्वेस्ट करती है और कंपनीज़ को बहुत अच्छे से मदद करती है बिना किसी डेब्ट ट्रैप्ड में फंसाए हुए। वहीं यहाँ पर अगर हम देखें तो फिलीपींस का दूसरा झुकाव इंडिया के साथ है, क्योंकि इंडिया के साथ इनके बायलैटरल रिलेशन हमें बहुत अच्छे देखने के लिए मिल रहे हैं। इंडिया ने अभी रिसेंटली फिलीपींस के साथ एक MOU भी साइन किया था, जहां पे इंटर ऑपरेटिबिलिटी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ाने के बारे में भी बात की जा रही है। साथ ही इंडिया यहां पर सप्लाई ऑफर कर रहा है फिलीपींस को कोस्ट गार्ड सिक्योरिटी को लेकर, इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर हेलीकॉप्टर्स बनाने की बात करें, ब्रह्मोस की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की भी डील अभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिली थी। सो दिस इज़ हाउ इंडिया और अगर हम बात करें जापान एंड फिलीपींस, ये सभी एक नेक्सस यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं फॉर दी इम्प्रूवमेंट। इंडिया और जापान देखिए अपने कोलैबोरेशन को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, बायलैटरल ट्रेड से आगे भी आपको ये देखने मिल जाएगा। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर भी यहाँ पर बनाया गया था पहले, जिसको 2017 में बनाया था, ताकि एशिया और अफ्रीका के बीच में यहाँ पर रिलेशंस को इस्टेब्लिश किया जा सके। अलॉन्ग विद दैट इंडिया अलग अलग कंट्री जैसे जापान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सभी के साथ पार्टनरशिप क्रिएट करता है, ताकि चाइना को यहाँ पर चाइना की जो पॉलिसीज हैं, साउथ चाइना सी की बात कर लें या फिर हम वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की बात कर लें, उसके साथ काउंटर किया जा सके। ओके, चलिए तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। बात करते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। पहली बात तो की जा रही है लीगल डेवलपमेंट्स इन हरियाणा, जिसको अभी हमने डिस्कस किया, और दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड को लेकर। सो वॉट यू ऑल हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड ऑन द गिवन लिंक बिलो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.